हेलो किड्स, आज की आपकी स्टोरी है जादुई बांसुरी। पता है बांसुरी क्या होती है? वो ऐसा लंबा सा इंस्ट्रूमेंट जिससे बहुत सुंदर धुने निकलती। तो एक बार की बात है, एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था रिया। तो रिया ने एक बार जब नींद में एक सपना देखा, तो सोते सोते उसको एक बहुत सुंदर सी बांसुरी की धुन सुनाई दी और उसके सपनों में एक बांसुरी ऐसे मुस्कुराती हुई, बात करते हुए, फ्लोट करते हुए, ऐसे घूमते घूमते उसके आंखों के सामने नजर आई। तो सो रही थी, सोते सोते जब उसने वो बांसुरी देखी तो उसकी नींद खुल गई और उसने सोचा, इतनी सुंदर बांसुरी, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, इस बांसुरी को तो अब मैं लेकर ही रहूं। और वो सारी रात सोचती रही कि मेरे को कहाँ से मिलेगी ये बांसुरी, सुबह होगी मैं मामा को बोलूंगी, पापा को बोलूंगी और ये बांसुरी लेके रहूंगी, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जब सुबह हुई, वो मम्मा पापा के पास गई, गुड मॉर्निंग बोला और उसके बाद बोला, पापा पापा, एक बहुत प्यारी सी जादू की बांसुरी मेरे को रात को सपने में दिखाई दी, आप मुझे वो ला के दो। तो पापा हंसने लगे, उन्होंने बोला, अरे भाई, जादू की बांसुरी कैसे मिल सकती है तुमको? तो उसने बोला, मुझे नहीं पता, आप मुझे ला दे, मुझे तो बांसुरी चाहिए। तो पापा ने बोला, मैं बांसुरी ला दूंगा पर मैं जादू की बांसुरी कहाँ से लेके आऊं, जादू की बांसुरी नहीं मुझे। तो रिया ने बोला, नहीं, मुझे जादू की ही बांसुरी चाहिए। तो पापा ने बोला, अच्छा चलो देखते हैं, ढूंढे। पापा वेंट टू द ऑफिस, वो घर जब शाम को ऑफिस से वापस आए तो एक बांसुरी उसके लिए लेकर आए रिया को। अब वो बांसुरी तो जादुई बांसुरी से बिल्कुल अलग थी जो रिया ने सपने में देखी थी। उस बांसुरी को देख के तो रिया को इतना गुस्सा आया, उसने जोर से उठा के फेंक दी वो बांसुरी और बोला, पापा ये बांसुरी मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो जादू की बांसुरी चाहिए। फिर मम्मा ने समझाया, पापा ने समझाया, सबने बताया घर में कि ऐसी ही होती है बांसुरी, वो तो सपने की बांसुरी थी। पर वो नहीं मानी, रोने लगी, रोते 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 वो सो गई। सोते सोते फिर से उसकी आंखों में वो बांसुरी आ गई, जादू की बांसुरी। रिया की आंख खुल गई, रिया ने सोचा, ये वाली बांसुरी तो मुझे लेके ही रहना है, कैसे मैं कैसे। सोचती रही सोचती रही, नींद ही नहीं आ रही थी, जाग रही थी, सब घर में सो रहे थे, पूरे घर में अंधेरा था, सारी चारों तरफ सन्नाटा। इतने में एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। चूहा धीरे 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 रिया के पास आया और चूहे ने रिया को बोला, तुम सोई नहीं हो, सब सो गए, तुम अभी जाग रही हो। रिया ने बोला, मेरे को एक बांसुरी चाहिए जो कि जादुई बांसुरी है, वो मुझे कोई लाके ही नहीं देता। चूहे ने बोला कि जो बांसुरी तुम्हारे पापा ने तुम्हें लाके दी, तुम उसी को जादू की बांसुरी बना दो। वो हैरान हो गए, उसने बोला, वो कैसे बनेगी जादू की बांसुरी? तो चूहे ने समझाया कि जो बांसुरी पापा लेके आए हैं, जब तुम उसमें मीठे मीठे सुर और धुन निकालोगी तो वो अपने आप जादू की बांसुरी बन जाएगी। उसमें से जो मीठी मीठी आवाजें आएंगी, जो सुंदर सुंदर गाने निकलेंगे, धुन निकलेगी, ट्यून्स निकलेगी, वो सबको इतनी सुंदर लगेंगे कि वो खुद ही जादू की बन जाएगी। तो तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। जब तुम धीरे धीरे उस बांसुरी को यूज करोगी, उसको अपना बनाओगी, वो बांसुरी तुम्हारे इशारों पे नाचेगी, जो तुम बजाओगी वो पर बजेगा उसमें, तुम ट्राई करके देखो। रिया को ये बात अच्छी लगी, उसने चूहे से बोला, तुम मेरे फ्रेंड बन जाओगे? तो चूहे ने बोला, हाँ मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो बोली, ठीक है, कल मैं सुबह जब उठूंगी तो मैं वो वाली बांसुरी वापस ढूंढ के निकालूंगी और उसमें से रोज सुंदर सुंदर धुने और ट्यून्स मैं निकाल के तुम्हें सुनाऊंगी और तब तुम मुझे बताना कि धीरे धीरे वो जो बांसुरी मेरे को पापा ने ला के दी है, वो बन रही है जादू की कि नहीं बन रही है। और ऐसे वो रोज रात को अपने फ्रेंड चूहे के साथ बैठती रूम में,
चूहा वो सारी धुने सुनता और वो सोने से पहले अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर धुने बजाती और धीरे धीरे रिया की वो बांसुरी जादुई बांसुरी बन गई। अच्छी थी ना स्टोरी? अब मिनी करेंगे, अब आप भी सोचो आपको कौन सी बांसुरी को जादुई बनाना है या किस चीज को जादुई बनाना है, और आप बंद करके सो और उस चीज को सपनों में देखो जिसको जादुई बनाना है। गुड नाइट।